हाउ आर यू ऑल। आई एम रजनी सिंह, योर फ्रेंड, गाइड एंड ट्रेनर। और आज मैं वीडियो जो आपके लिए लेकर के आई हूँ वो भी बेस्ड है हमारे प्रोवर्ब्स के ऊपर। इससे पहले आप इसके 3 पार्ट्स वॉच कर चुके हैं एंड आई होप सो आपने सारे ही प्रोवर्ब्स को याद कर लिया होगा और उसको अपने लैंग्वेज में यूज भी कर रहे होंगे। बस उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं पार्ट 4 में, और फिर से मैं आपके लिए सिर्फ 5 प्रोवर्ब्स लेकर के आई हूँ जो कि बहुत कॉमन है हमारे आम बोलचाल की भाषा में शामिल है। तो इसे अगर हम इंग्लिश में भी बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे वो हम देख लेते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ऊंची दुकान फीके पकवान। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसको अगर दूसरे सेंटेंस के फॉर्म में या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपने सुना होगा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। मतलब कोई चीज जो सुनने में तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है, बहुत ही ज्यादा फेमस लगता है, या ऐसा लगता है माय गॉड, इसका तो जो भी आउटपुट होता होगा या जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता होगा वो क्या शानदार होता होगा। लेकिन जब आपने उसको यूटिलाइज करके देखा, उसको यूज करके देखा, तो आपने पाया कि ओ माय गॉड, नाम तो बहुत बड़े बड़े थे पर रिजल्ट देखो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही सपोज कीजिए कि आपके एरिया में कोई एक बड़ा सा ऐसा कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जिसका बहुत नाम सुन रहे हो, बहुत पब्लिसिटी है, बहुत एडवर्टाइजमेंट है, और आपने भी वो नाम सुन करके और आप वहां पे चले गए कुछ खाने के लिए, और जब खाया वहां का फूड टेस्ट किया तो आपको लगा ओ माय गॉड, उससे बेटर तो हमारे एरिया का वो जो छोटा सा रेस्टोरेंट है या फिर छोटा सा स्ट्रीट फूड का ठेला है वो इससे ज्यादा उसमें फ्लेवर है और टेस्ट है। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये तो ऊंची दुकान और फीकी पकवान है। ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में इंग्लिश में आप बोलोगे कि मच क्राई एंड मच क्राई एंड लिटिल वूल। ठीक है। मच क्राई एंड लिटिल वूल मीन्स जो भेड़ होता है, शीप होता है, खूब बोल रहा हो, बहुत बोल रहा हो, आवाज तो बहुत आ रही है, लेकिन जब वूल निकालने गए उसके बॉडी से तो हमने देखा कि वो तो बहुत जरा सा निकला। ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना। फैक्ट आप भी जानते हैं इस चीज को कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कहा जाता है कि एक सेब अगर बास्केट में है तो वो सारे सेबों को, सारे एप्पल्स को क्या करता है, सड़ा देता है। ठीक है। और इसे हम बोलेंगे अ सिंगल शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स क्या होता है? भेड़ों का झुंड, जो ग्रुप है उसे हम बोलते हैं। तो एक अकेली भेड़ अगर इन्फेक्ट हो गई है तो पूरा का पूरा जो कम्युनिटी है उसका, जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नदी में रहना और मगरमच्छ से बैर। ठीक है। कहा जाता है ना कि अगर हमें किसी समाज में रहना है, किसी सोसाइटी में रहना है, तो वहां के जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं, जो बहुत रसूखदार लोग होते हैं, उनसे हमें दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दुश्मनी ले लेंगे तो हम चैन से नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल वैसा ही कुछ है कि कोई पानी में रहे और जो क्रोकोडाइल है उसी से दुश्मनी हो तो क्या क्रोकोडाइल उसको छोड़ेगा? नहीं ना। ठीक है। तो बस उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन द रूम एंड टू फाइट विथ द पोप।
जो रोमन एम्पायर हुआ करता था उसका जो सबसे पावरफुल पर्सन होता था वो होते थे वहां के पोप, आज भी होते हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके जो सबसे पावरफुल जो पर्सन है धर्म के अनुसार वो है उनके पोप। उनके ऑर्डर को नकारना मतलब बहुत बड़ी भूल करना। तो आप रोम में रह रहे हो, आप रोमन अम्पायर का एक हिस्सा हो, आप रोम के एक पार्ट हो, और वहां रह करके जो वहां के इतने पावरफुल पर्सन हैं, जो आपके धर्म गुरु हैं, आप उनसे दुश्मनी ले लो, आप उनसे झगड़ा कर लो, तो क्या वहां रह पाना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा या आप चैन से रह पाओगे? नो, एग्जैक्टली नॉट। तो बस उसी कंडीशन को हम कहते हैं नदी में रहना और मगरमच्छ से बैर। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है ना, सच है ना। दो लोगों की लड़ाई के बीच में या दो लोगों के बीच में कई बार कुछ ऐसे लोग बेचारे यूं ही उनकी लड़ाई का उनके झगड़े का शिकार हो जाते हैं जिनका कोई भी दोष नहीं होता है। और जनरली ऐसा कब होता है? जब कोई डोमेस्टिक फाइट हो। सपोज कीजिए कि हस्बैंड वाइफ के बीच में फाइट हो रही, तो जो छोटे छोटे से मासूम से बच्चे होते हैं उनका कोई दोष नहीं होता है, मगर वो उसका शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जहां आप देखते हो कि गेहूं के साथ घुन भी बेचारा पिस गया जिसका कोई दोष नहीं था। काम तो कुछ और होना था पर साथ में उसका असर किसी और के ऊपर हो गया। ठीक है ना, और वो भी नेगेटिव असर। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे द ग्रास when two bulls fight it is the grass that suffers। okay, क्या होता है जब दो बैल लड़ रहे होते हैं तो जो नीचे की घास होती है उसको होता है ना नुकसान, वो सफर करता है, वो ग्रसित होता है, वो बेचारा बिल्कुल रौंदा जाता है, उसका तो कोई दोष नहीं। ये जो टू बुल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? आपस में फाइट कर रहे हैं और उसका असर, नेगेटिव असर किसके ऊपर हो रहा है? कौन पिस रहा है उनके साथ में? वो है घास। वही चीज है गेहूं के साथ घास का, सॉरी घुन का पिसना। ओके, अब आज का हमारा लास्ट प्रोवर्ब है जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए। इसको कई बार लोकल वे में अलग अलग तरीके से भी बोला जाता है लेकिन उसका सेंस यही निकलता है कि जितना हमारे पास एफिशिएंसी हो किसी भी चीज का, जितनी हमारी औकात हो बस उतना ही हमें काम करना चाहिए। हम उससे बढ़ चढ़ के काम करेंगे तो हम हमेशा मुसीबत में पड़ेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास कुछ पैसे हैं लेकिन हम शो ऑफ के चक्कर में, हम दिखावे के चक्कर में ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं और बहुत भारी ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया, कर्ज चढ़ गया हमारे ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में हम चैन से रह पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें उतना ही काम करना चाहिए जितना हमारा पॉकेट या हमारी जो भी चीजें हैं वो हमको अलाउ कर रही हैं कि हाँ हम इतना करें तो हम सुखी रहेंगे। बिल्कुल उसी के लिए कहा गया है जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए। अगर चादर छोटी है हमारी, पैर हम पूरा पसार लेंगे तो हमें ठंडी लगेगी ना, या हमें जो भी प्रॉब्लम होगी वेदर से रिलेटेड या मॉस्किटोज बाइट से रिलेटेड सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे कि वी शुड, या फिर वी शुड को हटाते हैं हम इसे सीधे बोलते हैं कट योर कोट। अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, जितना बड़ा आपका कपड़ा है, आपको कोट सिलवाना है अगर, तो आप उतना ही, उतने ही कपड़े में आप उसको सिलवाइए या उतना ही काटिए। ठीक है ना, अगर आप उससे ज्यादा कपड़ा काटने की कोशिश करेंगे, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लोथ। ठीक है ना। आई नो इन बातों को मैं डिस्क्राइब तो कर रही हूँ पर मुझसे बेटर आप पहले से ही समझते हैं इन बातों को शायद,
और पक्का समझते ही होंगे, ठीक है ना। तो एक बार और हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान, दिस इज मच फ्राई एंड लिटिल वूल। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, अ सिंगल शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। नदी में रहना और मगरमच्छ से बैर, इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन द रोम एंड टू फाइट विद द पोप। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, व्हेन टू बुल्स फाइट इट इज द ग्रास दैट सफर्स। जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। सो सिंपल। और इनको याद रखना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, बिलीव मी। आप एक बार, दो बार, तीन बार यूज करके देखिए, उसके बाद आपकी टंग पे ये आ जाएगा और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपके मुंह से ऑटोमेटिक ये निकलेगा। और फिर से मैं याद दिला देती हूँ, ये इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, ये सिर्फ इसका सेंस है। हिंदी में ये मतलब निकलता है और इंग्लिश में ये लिखते हैं हम, लेकिन दोनों का मतलब जो है, जो सेंस है हमारा, वो सेम है। एंड नॉट ओनली जस्ट फॉर योर स्पोकन इंग्लिश, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू, रिमेम्बर दिस थिंग। तो इसलिए आपको इनको याद कर लेना चाहिए, ये हमेशा ही यूजफुल है आपके लिए और हमेशा काम आएगा। और इस सीरीज को अभी मैं कंटिन्यू रखूंगी, आई विल कम विथ टू और थ्री मोर पार्ट्स ऑफ दिस, ताकि एटलीस्ट जो कॉमन प्रोवर्ब्स है उसको मैं कवर कर सकूं, ठीक है। और आपको क्या करना है, मेरे साथ सीखते रहना है, रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना है और आपको इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए। वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।